अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जद्दा इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंशर इकबाल। तो प्यारे दोस्तों, जब आप डिश फिटिंग करने लगते हैं, 4 फुट की डिश हो चाहे 2 फुट की हो, उसके सिग्नल के लिए आप जब उसको एडजस्टमेंट करते हैं, तो सबसे जो बड़ी गलती होती है ना कि सिग्नल ना आने की जो वजह होती है वो सिर्फ एक चीज़ है। आज की वीडियो में वो आपको बाद में बताऊँगा। मैं पूरी गारंटी से ये आपके साथ दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि आपने अगर वो गलती नोट कर ली तो आप 4 फुट की डिश को 1 सेकंड में यकीन करें आप उसके सिग्नल ले आ सकते हैं। अभी आपके सामने 4 फुट की डिश पड़ी है, मैं आपके आंखों के सामने इसको सिर्फ थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा किया है और इसके जो सिग्नल हैं वो इसी वक्त आ गए हैं। तो क्या वजह है कि आप जो हैं वो इसके 4 फुट की डिश को फिटिंग करते करते आप घंटे लगा देते हैं, जबकि मैं आपके सामने 1 सेकंड में उसके सिग्नल ले आया हूं। तो उसकी जो सबसे बड़ी मेन वजह है ना, वो कुछ और भी चीज़ें हैं, जो सबसे मेन चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि इनमें से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कौन सी हैं जो आपने सबसे पहले चेक कर लेनी है। लेकिन उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को साथ में लाइक कर दें, और साथ ही लगी बेल आइकन को भी ऑल पे रखें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो पहले दोस्तों, सबसे पहले जो एक चीज़ आपने नोट ये करनी है कि आप डिश लेते वक्त डिश भारी लेनी है। कम से कम जो डिश का वज़न है वो 3.5 किलो होना चाहिए। मतलब कि जो डिश है वो 3 किलो से कम तो बिल्कुल आपने ख़रीदनी नहीं है ना। चाहे दुकानदार जितनी वादे आपसे कर ले कि ये सिग्नल ठीक ले आएगी, ये डिश अच्छी है, मजबूत है, आपने बिल्कुल नहीं ख़रीदनी। आपने डिश को ख़रीदते वक्त तो कम से कम जो है वो 3 से 3.5 किलो तक आपने डिश ख़रीदनी है। वैसे तो ये 4 फुट की जो डिश है वो जो सबसे भारी वाली डिश है, अच्छी वाली, वो 4 फुट की होती है। लेकिन आपने 3.5 से 3 तक लास्ट मन ख़रीदनी है हर हाल में। उसकी इस वक्त जो प्राइस है तकरीबन जो 4 किलो की डिश है उस इस वक्त आपको मिलेगी 2200 रुपये में। अच्छा, इससे आगे जो बात मैं करने लगा हूँ ना वो ये है कि आपने जब फिटिंग करनी है, इसके जितने भी नट बोल्ट हैं वो अच्छे से आपने कस के लगाने हैं। स्टैंड जो है वो अच्छे से कस के लगाना है, इस तरह नहीं कि ये डिश इस तरह से ये हिलती रहे। अच्छा, ये तो बातें हो गई कि आपने जब डिश को फिटिंग करने से ये चीज़ें पहले चेक कर लेनी है। अब जब आपने डिश को फिटिंग करने शुरू करना है ना, उस वक्त जो सबसे बड़ी गलती आप सबसे बड़ी गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ कि इसका जो आपने एडजस्टमेंट करनी है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास इंची टेप है। ये LNB जो है इसके जो ऊंचाई है ये 32 इंच इस वक्त है। लेकिन जो इसकी बैक साइड है ना, इसके जो आपने अप डाउन यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट करने हैं अप डाउन, वो इस वक्त आ रही है 38 इंच पे। आपने मैक्सिमम जो है वो 38 इंच तक आपने इसकी जो हाइट है डिश को ऊपर उठा लेना है। जो इसके अप डाउन स्टिक्के हैं पीछे वाली बैक वाली, उसको आपने वहाँ पे एडजस्ट करना है ताकि ये तकरीबन 38 इंच तक इसकी हाइट हो। अच्छा, ये जब आपने चीज़ कर ली ना, फिर इसको ऐसे मूव नहीं करना, बस थोड़ा सा हल्के से, जिस तरह इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा, बिल्कुल हमारी जो इस वक्त डिश लगी हुई है ये हमने फिटिंग की हुई है पाक सेट के ऊपर। पाक सेट जो है वो तकरीबन जो मगरिब और जनूब वाली साइड है इसके कोने में बनती है ये सेटेलाइट। आपने इस तरह से डिश को रख लेना है और जो LNB है उसका रुख जो है वो साइड पे आपने कर लेना है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि LNB का रुख मैंने साइड पे किया हुआ है। इस तरह से डिश को रखने के बाद आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपने पहले से रिसीवर में ट्यूनिंग कर लेनी है। आपके रिसीवर में चैनल होने चाहिए, किसी आस पास से आपने जो डिश फिट पहले से हुई हुई है उससे आपने ट्यूनिंग कर लेनी है। ट्यूनिंग का तरीकाकार बिल्कुल ही आसान है, मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। हालाँकि मैंने पहले भी मुकम्मल डिश के ऊपर एक वीडियो पाक सेट पे बनाई हुई है, लेकिन एक दफ़ा फिर आप देख लें कि ट्यूनिंग किस तरह से आपने करनी है। आपने अपने रिमोट की मदद से मेन्यू का बटन क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि मेन्यू के बटन को क्लिक करने के बाद आपने एंटीना सेटिंग के ऊपर जाना है। एंटीना सेटिंग के ऊपर जाने के बाद आपने इस तरह से 40 लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेटेलाइट पाक सेट हमने सेट की हुई है। आपने भी इस तरह से पाक सेट सेटेलाइट कर लेनी है। और उसके बाद जो सबसे मेन गलती होती है, जो दोस्त कहते हैं ना कि हमारी डिश बिल्कुल ठीक फिटिंग में पड़ी है, अच्छा सिग्नल आते हैं, लेकिन कुछ ही चैनल आते हैं, 5-10 चैनल आते हैं, उसके बाद जो ट्यूनिंग है वो ख़त्म हो जाती है, इसके अलावा कोई और चैनल नहीं आता। तो ये उन दोस्तों के लिए मैं बात कह रहा हूँ कि वो प्यारे दोस्त LNB फ्रीक्वेंसी जहाँ पे लगी हुई है वो 5150 कर लें। जब आप 5150 करने के बाद इसकी ट्यूनिंग करेंगे, सर्चिंग करेंगे चैनल की, तो इंशाल्लाह आपके जितने भी उस सेटेलाइट पे चैनल चल रहे हैं इंशाल्लाह पूरी मुकम्मल आएंगे। ये आपसे गारंटी से मैं बात कर रहा हूँ।
अच्छा आप पे आप देख सकते हैं कि LNB फ्रीक्वेंसी 5150 है। अच्छा इसके बाद आपने नीले बटन से जो माउंट के ऊपर स्कैन के लिए जो भी कलर दिया गया, ये जो विंडो खुली है स्कैन वाली ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऑटो स्कैन है, स्कैन के सामने ऑटो स्कैन लिखी है, लेकिन आपने यहाँ पे ब्लाइंड स्कैन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि ब्लाइंड स्कैन हमने कर लिया। यूँ ही आपने ब्लाइंड स्कैन करेंगे तो इस तरह से आपके जो चैनल है वो सर्च में आ जाएंगे और जितने भी उस सेटेलाइट के ऊपर चैनल चल रहे हैं वो तमाम के तमाम आपके चैनल लिस्ट में वो ऐड हो जाएंगे। तो अभी प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि चैनल जो है वो सर्च हो रहे हैं। जिन दोस्तों का रिसीवर बिल्कुल खाली है, उसमें पहले से चैनल ऐड नहीं है और आपने नया रिसीवर ख़रीदा है या कि पहले वाले जो चैनल हैं वो डिलीट हो गए हैं, तो उन दोस्तों ने इस तरह से डिश की फिटिंग करनी है कि आपने सबसे पहले एक चैनल की फ्रीक्वेंसी और सिम्बल रेट लगा लेना है ताकि आपको सिग्नल आने आसान हो जाए। फ्रीक्वेंसी लगाने के लिए आपको पहले मेन्यू का बटन प्रेस करने पड़ेगा। मेन्यू के बटन को प्रेस करेंगे तो ये विंडो खुलेगी, ऊपर लिखा हुआ है टेनर सेटिंग, नीचे है सप्लाई लिस्ट और नीचे है ट्रांसपेरेंट लिस्ट। तो आपने ट्रांसपेरेंट लिस्ट के ऊपर आना है, इस तरह से 40 लगाने के बाद आपने ट्रांसपेरेंट लिस्ट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपने किसी भी जहाँ पे पट्टी खड़ी है वहीं पे आपने ये फ्रीक्वेंसी लगा लेनी है। फ्रीक्वेंसी आपने पाक सेट के ऊपर अगर आप डिश फिट कर रहे हैं तो आपने पाक सेट के किसी भी चैनल की लगा लेनी है। इस वक्त हमारे पास फ्रीक्वेंसी है PTV स्पोर्ट्स की, तो हम वो ऐड करेंगे क्योंकि हम डिश जो है वो पाक सेट के ऊपर सेट कर रहे हैं। तो अभी हम फ्रीक्वेंसी ऐड करने के लिए आपने सबल बटन को क्लिक करना है क्योंकि यहाँ एडिट के लिए सबल बटन दिया गया है। अभी हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लगाएंगे 0, इसके बाद 4 आ गया, फिर 00 और फिर 4 आ गया। ये आप भी दोस्त नोट कर लें, ये PTV नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी है। ये लगाने के बाद ओके का बटन प्रेस करने के बाद आपने सिम्बल रेट के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे हमने सिम्बल रेट जो लगाना है वो है 15547। अभी आप देख सकते हैं कि हमने सिम्बल रेट भी लगा लिया है। यहाँ पे आपने वर्टिकल कर देना है और इस तरह से आपने ये जो फ्रीक्वेंसी है आपने सेव कर लेनी है। फ्रीक्वेंसी और सिम्बल रेट है वो सेव हो चुका है 4004 और 15547। अभी हमको जो सिग्नल है वो ले आने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम डिश को आराम से बिल्कुल धीरे से, ये आप देख सकते हैं जो ही मैंने डिश को हल्के से इधर उधर किया है और जो सिग्नल हैं वो तमाम के तमाम आ गए हैं क्योंकि हमारे रिसीवर में पहले से चैनल ऐड थे। तो इस वक्त जो पीछे जो TV है वो भी चल रहा है, PTV स्पोर्ट्स के चैनल। तो इस तरह से आप डिश को फिट कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी आप गलती करते हैं डिश फिटिंग करते वक्त वो ये है कि आप डिश को या तो ज़्यादा ऊपर कर देते हैं या ज़्यादा नीचे कर देते हैं। दूसरी गलती जो होती है वो ये होती है कि आप डिश को इधर उधर ज़्यादा करते रहते हैं। तो तीसरी गलती है वो ये है कि आप डिश खरीदते वक्त हल्की डिश खरीदते हैं, डिश आपने वजनी खरीदनी है, भारी हो तब भी आपके जो सिग्नल हैं वो वीक भी नहीं होंगे, वो सिग्नल लाने में भी आपको बहुत आसानी होगी। इस तरह से डिश की फिटिंग की ये मुकम्मल वीडियो देख कर आप सबसे जो एक और मेन गलती करते हैं कि आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, आप उसको स्किप देखते हैं, इससे आपको सही समझ नहीं आती पूरी बात की। आप वीडियो को मुकम्मल देखिए, चंद ही सेकंड में आप इस तरह से सिग्नल आने में आपको देर नहीं लगेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये छोटी सी हमारी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए दिन एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।